भाई भाई, इंडिया के बैट्समैन ने पाकिस्तान के बॉलर्स को कितना मारा? बहुत मारा, मतलब मां चोदी। तो और के गेलार में क्या चल रहा है? तो यार अभी मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देख के आया, और क्या मैच था यार। नहीं मतलब रोहित का शतक, केएल राहुल और विराट कोहली के शानदार नॉक, और इंडियन बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को 7वीं बार वर्ल्ड कप में हरा दिया। ओहो, टीवी की बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ने वाली है पाकिस्तान में आने वाले दिनों में। तो खैर, कल रोहित शर्मा के साथ साथ एक बंदा और शतक बनाने वाला था, पर भैया कुछ रनों से चूक गया। और ना 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 ना, ना मैं विराट कोहली की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे फेवरेट बॉलर हसन अली के बारे में। हसन अली स्ट्राइक्स अगेन, बूम ही सेज एंड जिन्होंने मीडिया पे स्टेटमेंट दी थी कि भाई वो इंडिया टीम के 10 के 10 विकेट ले सकते हैं। और भैया खुद कल के मैच में 16 रन से अपने शतक के लिए चुक गए, और भैया शायद शतक हो भी जाता, पर भैया हमारे सबसे ज्यादा फेवरेट कैप्टन सरफराज भैया ने उनका एक ओवर रोक लिया और उनका शतक होने नहीं दिया। नहीं मतलब क्यों सरफराज भैया, आपने ऐसा क्यों किया? नहीं मतलब इसके लिए आपको ना जनता माफ नहीं करेगी। तो खैर, अब आते हैं एड्स पे, जो भैया पाकिस्तान के एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने स्पेशली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए बनाया था। टॉस जीत गए तो क्या करोगे? I'm sorry, I'm not supposed to tell you that, sir. Playing 11 में कौन कौन होगा? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. Okay, how is the tea? Tea is fantastic. अच्छा चलो, you can leave now. Okay, sir. एक सेकेंड रुको, कप कहाँ लेके जा रहे हो? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। नहीं मतलब भाई, शरम वरम नाम की चीज नहीं आई क्या इस एड को शूट करते वक्त? नहीं मतलब एड के नाम पे एक एयरफोर्स के विंग कमांडर को भैया ट्रोल कर रहे हो? अरे शरम करो, कंजरी मादे बच्ची हो, दगड़ दल्ली मादे बच्ची हो, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। और भैया जो कप की बात कर रहे हो ना, वो तो समय आने पे पता चल जाएगा कि भैया कौन सी टीम लेके जाएगी। तो भैया थोड़ा चिल मारो और ऐसे वाहियात ऐड बनाना बंद करो, क्योंकि ऐसे वाहियात ऐड बनाने से ना तुमको सिर्फ ऐसा कप मिलेगा, ऐसा नहीं। तो खैर, इस ऐड को देखने के बाद ना हमारे देश से बहुत लोग ऑफेंड हुए, पर भैया सबसे ज्यादा ऑफेंड तो ये मैडम हुई। नहीं मतलब कतई लिट वाला रिप्लाई दे दिया इस ऐड के बनाने वालों को। I saw this Pakistani ad yesterday on my WhatsApp where they're making fun of our war hero. Dear Pakistan, that is not cool. And this is my answer to your ad. Why settle for a teacup when you can actually have a D-cup? Double D-cup. आप इसमें चाय भी पी ले लिया भाई लॉन्डी ने, कतई कहके ले लिया। तो कह रहे लास्ट में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो भी एड्स बने, चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, दोनों ऑफेंडिंग थे, दोनों कॉन्ट्रोवर्सल थे, जिसको देख के चाहे वो पाकिस्तान से हो या चाहे वो इंडिया के हो, दोनों लोग ऑफेंड हुए हैं। और इनका एक ही मकसद था क्रिकेट लवर्स के बीच में झगड़ा कराना, जो उन्होंने करवाया भी सोशल मीडिया पे। तो यार ये सब चीजों को छोड़ो, क्रिकेट के मजे लो यार, वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है, तो मजे लो यार उसके। जैसे कि ये कपल जो ना सिर्फ इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे ना ही पाकिस्तान को, ये दोनों टीम्स को सपोर्ट कर रहे थे और क्रिकेट का मजा ले रहे थे। तो कह रहे हैं आज का लेसन यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और ये कमेंट करके बताओ यार कि तुम लोग के हिसाब से ऐसी कौन सी टॉप 4 टीम है जो इस बार वर्ल्ड कप को जीत सकती है। और यार इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और यार अगर हमारे चैनल पे पहली बार आया हो तो यार प्लीज 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 सब्सक्राइब का बटन दबाओ, और बाजू में जो घंटा है उसको भी दबाओ। और मैं मिलता हूं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।